दिल्ली में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी और लू चलने का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 44.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। IMD ने दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से हाल फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि मौजूदा स्थिति अगले एक हफ्ते तक बनी रहेगी। एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली में 43.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में लू की स्थिति बनी रही और हवा की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इसके चलते लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों ने बेहाल करके रख दिया। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो गर्मी ने लोगों का जीवन सबसे ज्यादा दूभर कर दिया है। रविवार को राजधानी के पीतमपुरा, मुंगेशपुरा और नजफगढ़ जैसे इलाकों का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि राजघाट क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि राजधानी में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि हवा की गति भी 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। इसके चलते लू के थपेड़ों का एहसास और भी ज्यादा होगा। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए रेड अलर्ट और बुधवार और गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार आमतौर पर मई सबसे गर्म महीना माना जाता है। यदि इस सीजन में उत्तर भारत के हिस्सों में बारिश नहीं होती तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अनुमान है कि दिल्ली NCR में भीषण गर्मी पड़ने की स्थिति अगले एक हफ्ते तक बनी रहेगी। अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी अगले 5 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्टिन।